तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा बस एक लाइटरूम प्रीसेट का मदद से। गाइस आपको भी पता है कि लाइटरूम प्रीसेट का मदद से फोटो एडिटिंग करना आसान है, लेकिन गाइस फेस को स्मूथ करना, फेस को गोरा करना उतना भी आसान नहीं है। तो गाइस आज के इस वीडियो को आप एंड तक देख लेते हो तो गाइस आपको भी कुछ इस तरह का एडिटिंग बस एक क्लिक के अंदर करना आ जाएगा। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइट रूम ऐप को ओपन करना है। और गाइस लाइट रूम ऐप को ओपन करने के बाद आपको ऑल फोटोज में क्लिक करना है। देख सकते हो गाइस हमारा जो ओरिजिनल फोटो था उसको ऐड कर लिया हूँ, फेस देख सकते हो एकदम ही गोरा नहीं है। और गाइस ये वाला प्रीसेट को आप डाउनलोड कर लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और ये वाला प्रीसेट को डाउनलोड करो। ये वाला प्रीसेट गाइस आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। देख सकते हो प्रीसेट दिखने में ऐसा लग रहा है लेकिन बहुत काम का चीज़ है। थ्री डॉट पे क्लिक करो, कॉपी करो, कॉपी करने के बाद जो ओरिजिनल फोटो है थ्री डॉट पेस्ट करो, देखो एक क्लिक के अंदर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और गाइज यहाँ पे देख सकते हो फोटो का डिटेल्स भाई बहुत ही बढ़िया है, डिटेल्स इतना नहीं रखेंगे, क्लियरिटी को थोड़ा कम कर देते हैं, शार्पनिंग को भी थोड़ा कम कर देते हैं और यहाँ पे रेडियस को थोड़ा सा कम, नॉइज़ डिटेक्शन और कलर नॉइज़ डिटेक्शन को थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। देख सकते हो ठीक हो गया है। कलर्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको थोड़ा मोटा चेंज करना होगा कुछ इस टाइप से। गाइज इतना करने के बाद गाइज आप फोटो देख सकते हो पहले कैसा था, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। यहाँ से गाइज फोटो को शेयर करना है ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर फोटो को स्मूथ करने के लिए। तो गाइज सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर ओपन करने के बाद फोटो को आपको गाइज यहाँ पे एक ब्रश मिल जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा ब्रश है, ठीक है, एक नहीं बहुत सारा है। तो गाइज उसमें से आपको ये वाला ब्रश को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसका सेटिंग को आपको इतना रखना है, कट करना है, ठीक है। और फेस के ऊपर कुछ इस टाइप से आपको चलाना होगा, देख सकते हो। तो गाइज देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से फेस को स्मूथ कर लिया हूँ। गाइज आप फेस देख सकते हो, बस फेस को स्मूथ करने के बाद गाइज ये वाला फोटो को सेव करना है। फोटो को सेव करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ऊपर थ्री डॉट मिल जाएगा, थ्री डॉट पे क्लिक करके आपको शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद आपको कर देना है सेव टू डिवाइस।